श्रीलंका में बजा इंडिया का डंका, गंभीर सूर्या ने करके दिखाया टीम इंडिया को T20 में चैंपियन बनाया। जी हां, वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया की यंग ब्रिगेड श्रीलंका गई और श्रीलंका में सूर्य की कप्तानी में टीम इंडिया ऐसी चमकी और आखिरी मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसे देख के आप बोलेंगे वाह टीम इंडिया वाह। और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि सुपर ओवर में तीसरा T20 मुकाबला पहुंचा जहां पर पहली गेंद पर सूर्या ने मुकाबला खत्म कर दिया। पूरे मैच की कहानी आपको बताएंगे और बताएंगे भी सुपर ओवर में टीम इंडिया कभी नहीं हारती। ये सबसे बड़ा दिलचस्प आंकड़ा भी है कि चार बार अब तक सुपर ओवर T20 में टीम इंडिया ने फेस किए हैं और चारों बार टीम इंडिया जीती है। तीन तो मैं आपको याद भी दिला देता हूं, एक तो आज ही हो गया, ठीक है, फिर एक वर्ल्ड कप से पहले आप सभी को याद हो अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमने खेला था, उससे पहले एक न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने खेला था सुपर ओवर जहां पे हमें जीत हासिल हुई थी। तो अभी तक सुपर ओवर में टीम इंडिया ने अपने सभी मुकाबले जीते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग ये है। और दूसरी चीज भाई, यंग एरा, सूर्य कुमार यादव गौतम गंभीर एरा में टीम इंडिया इस तरीके से चमकेगी ये किसी को उम्मीद नहीं थी। हेड कोच गौतम गंभीर ने जिम्मा लिया टीम इंडिया को आगे ले जाने का। राहुल द्रविड़ T20 वर्ल्ड कप जिताकर उनका जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया। इसके बाद बतौर हेड कोच श्रीलंका पहला गौतम गंभीर का दौरा था, सूर्य कुमार यादव को कप्तानी सौंपी गई। हार्दिक को बनाना चाहते थे लेकिन सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दी गई कि भाई ये बंदा फिट एंड फाइन रहता है, ज़्यादा इंजर्ड नहीं होता, तो ये बेसिक कंसर्न थे। और सूर्य कुमार यादव आपकी हर सीरीज में अवेलेबल रहे, 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए भी सूर्य कुमार यादव के अंडर टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, ये भी यहाँ से साफ स्पष्ट हो जाता है। अब इस सीरीज में हुआ क्या, पहला मुकाबला टीम इंडिया ने शानदार तरीके से जीता। एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि 140 एक विकेट वहां पर श्रीलंका गवाती है और वहां से चीजें किस तरीके से पलटती हैं ये सभी आपने देखा। दूसरे मैच में बारिश ने खेल बिगाड़ा लेकिन उसके बावजूद भी टीम इंडिया ने DLS मेथड में 8 ओवर में 78 रन आराम से चेज कर लिए, बना लिए। और तीसरे मुकाबले में तो 137 ही रन बना पाई टीम इंडिया 20 ओवरों में और वहां पर टीम इंडिया के जो सभी बल्लेबाज थे वो धराशायी होते हुए नजर आए, कोलैप्स होते हुए नजर आए। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने हार नहीं मानी, बोला ये रन बहुत ज्यादा है हमारे लिए और हम इसी रन में आपको जीत के दिखाएंगे, ये रन डिफेंड करके दिखाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही, 15 ओवर तक ऐसा लग रहा था टीम इंडिया ये मुकाबला हार रही है। 15 ओवर के बाद आप देखिए कि श्रीलंका ने 29 रन में 7 विकेट गवाए और असली कहानी शुरू होती है 19वें ओवर तक, क्योंकि 18वें ओवर तक ऐसा लग रहा था श्रीलंका ये मुकाबला आने वाले 19वें ओवर में आराम से जीत लेती, लेकिन वहां पे सूर्य कुमार यादव का मास्टर स्ट्रोक या फिर गौतम गंभीर का मास्टर स्ट्रोक की वहां पर रिंकू सिंह को गेंदबाजी दी जाए। रिंकू सिंह उसी ओवर में 2 विकेट निकालते हैं, फिर अगला उससे भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक, सबको पता था कि यार सिराज गेंदबाजी करने आएंगे आखिरी ओवर में क्योंकि उनके 3 ओवर हो चुके थे, आखिरी ओवर उनको देना था, लेकिन आए कौन, कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट सूर्य कुमार यादव, और वहां से चीजें पूरी तरीके से वो अपने फेवर में कर लिया। हालांकि वहां पे एक मौका बन सकता था, टीम इंडिया उसी में मैच खत्म कर सकती थी, रनआउट में थोड़ा सा सूर्य कुमार यादव जज नहीं कर पाए, वहां पर 2 रन हो गए, अगर वो पहले उनको रनआउट कर देते तो मुकाबला पहले ही फिनिश हो जाता। मुकाबला इंटरेस्टिंग हुआ, 137 श्रीलंका ने भी बनाए और अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी, कुशल मेंडिस ने भी अच्छे रन बनाए वहां पर, श्रीलंका के बल्लेबाजों ने ठीक ठाक किया। लेकिन उसके बाद सुपर ओवर में वॉशिंगटन सुंदर आते हैं और 3 गेंदों में मामला समाप्त कर देते हैं। पहली गेंद वाइड जाती है, दूसरी गेंद पे एक सिंगल रन आ जाता है, तीसरी गेंद पे विकेट, चौथी गेंद पे विकेट, तो 2 विकेटें सुपर ओवर में गिरानी होती है, वॉशिंगटन सुंदर ने वो 2 विकेटें बहुत जल्दी हासिल कर ली और टीम इंडिया को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। सूर्य कुमार यादव आते हैं पहली गेंद पे, स्वीप मार के चौका लगा जाते हैं, फील्डर को चकमा देती हुई बाउंड्री के पास गेंद चली जाती है और ये मुकाबला टीम इंडिया जीत लेती है। तो सीरीज 3-0 से भारत ने जीती, पहली सीरीज गौतम गंभीर बतौर हेड कोच के अंडर हमने जीती, सूर्य कुमार यादव क्योंकि वर्ल्ड कप ODI वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने कप्तानी करी थी, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनको कप्तानी करने का वो मिला था, लेकिन यहाँ पर तो एकदम डिफरेंट बीस कप्तानी सूर्य कुमार है, कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं कि भाई ये हो सकता है वो हो सकता है, बहुत ही चिल मोड में सूर्य कुमार यादव कप्तानी कर रहे थे, सब उनको रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे और एक दिखी फ्यूचर कैप्टन की झलक आपको सूर्य कुमार यादव में दिखती है। तो यहाँ से चीज़ें किस तरीके से आगे जाएंगी अब ये देखना बाकी है, क्योंकि पहली सीरीज हमने जीत ली है और अब सूर्य कुमार यादव पे और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस का बोझ होगा।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।